भूखे मर रहे हैं, लेकिन कमाल बात यह है कि कोई मानने को राजी नहीं है। पर सेविंग तो है ना अभी। यार पता थोड़ी है कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा, और वैसे भी हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास इतनी सेविंग होती कहाँ है। पता, ये जो मिडिल क्लास होता है ना, ये शोशा में निकल जाता है। उनका पूरा जीवन किश्तों पर होता है, घर किश्तों पर, गाड़ी किश्तों पर, टीवी किश्तों पर, फ्रिज किश्तों पर, एसी किश्तों पर, फोन भी किश्तों पर, फिर बच्चों की स्कूल की फीस और वो ट्यूशन फीस अलग से, बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है फिर वो अगर कोई बीमार हो गया तो वहाँ चला जाता है, और जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है वो फिर गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, फैमिली में जो फंक्शन होते हैं वहाँ चला जाता है। सेविंग कहाँ हुई हमारी? ऊपर से अगर किसी को ये बोल दो कि पैसे खत्म हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उनको ये लगता है कि भैया हम झूठ बोल रहे हैं, इतना सब कुछ तो है हमारे पास, ये कैसे भूखे मर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो राशन बांट रहे हैं ना गरीबों को, उनसे मांग कर हम उन गरीबों का हक ना छीन लें। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी टैक्स और किश्तों में दम तोड़ रहा है। कम से कम एक बात तो अच्छी हुई कि गवर्नमेंट ने किराया माफ करा दिया। किराया माफ नहीं कराया है, बस आगे सरका दिया 3 महीने के लिए। पर 3 महीने बाद रेंट कहाँ से देंगे? कौन समझाए उनको, कौन समझाए कि भैया इस लॉकडाउन में कमाई नहीं हुई है तो सेविंग है, उससे बस थोड़ा थोड़ा खा के हम गुजारा कर रहे हैं ताकि लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। अब आने वाले 3 महीने बाद हमें इन 3 महीनों का किराया तो देना ही है, तब का भी देना है, चाहे कमाई हुई हो या नहीं, चाहे सेविंग हुई हो या नहीं। आज इस कोरोना वार से तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस लॉकडाउन के बाद हम सर्वाइव कैसे करेंगे। और अगर सर्वाइव कर गए तो हमेशा की तरह 2 चीजें जरूर करनी है। कौन सी 2 चीजें? एक वोट, दूसरा टैक्स। अच्छा तो है, कम से कम उन 2 चीजों के लिए हमें उस वक्त याद तो किया जाता है। सुनो ना, हाँ आम आ गए हैं, लाओगे? यार तुमसे कुछ छिपा थोड़ी है, ये बस लॉकडाउन लॉकडाउन की बात है, जैसे तैसे दाल रोटी खाकर गुजारा कर लो, उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर क्यों नहीं, लाऊंगा ना सब कुछ, ठीक है ना? ठीक है। अरे वाह यार, तेरा नंबर आ गया। सुनना यार, 4 बोतल विस्की मेरे लिए भी ले लेना यार, ब्रांड तुझे पता ही है, मैं तेरे को दे दूंगा ना पैसे, जैसे तू आएगा बिल्डिंग में पैसे दे दूंगा मैं तेरे को। सेविंग है ना? हाँ है ना, थोड़ी बहुत है।